नमस्कार दोस्तों, रोजगार सेंटर में आपका स्वागत है। IBPS RRB भर्ती 2020, इसमें जो योग्यता मांगी गई है, मतलब क्वालिफिकेशन, वो ग्रेजुएट CA और MBA पास है, ठीक है। और जो कुल पदों की संख्या है वो है 9638, और इस फॉर्म के लिए महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे जो मिनिमम उम्र है वो है 18 वर्ष और मैक्सिमम 40 वर्ष है। ऑल इंडिया की जॉब है, मतलब ऑल इंडिया कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं और ऑल इंडिया की जॉब है ये, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए IBPS RRB भर्ती 2020 9638 विभिन्न पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करें, ठीक है। नीचे आते यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है ध्यान दें, फॉर्म भरने से पूर्व आधिकारिक अधिसूचना, मतलब ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर चेक करें, ठीक है। नीचे आते हैं, यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग डेट जो थी वो थी 1 जुलाई 2020, और लास्ट डेट जो है वो है 21 जुलाई 2020। और जो पद का नाम है वो है RRB 9 ऑफिसर स्केल 1, 2, 3 एंड ऑफिसर असिस्टेंट की है, ठीक है। नीचे आते हैं, यहाँ पर देखिए टोटल वैकेंसी जो है वो है 9638। नौकरी करने का स्थान पूरे भारत में आपको कहीं पर भी जॉब लग सकती है, ठीक है। कौन आवेदन कर सकता है, भारत के सभी उम्मीदवार इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और चयन प्रक्रिया, मतलब सिलेक्शन प्रोसेस, आपका पहले एग्ज़ाम होगा, लिखित एग्ज़ाम, उसका इंटरव्यू होगा, ठीक है। एज लिमिट वही है 18 से 40 वर्ष, और यहाँ पे नियम के अनुसार आयु में छूट लागू है। क्वालिफिकेशन स्नातक की डिग्री CA, कानून की डिग्री मतलब लॉ डिग्री और MBA, ठीक है। जनरल OBC और अन्य के लिए 850 रुपये फीस है, और SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन के लिए 175 रुपये। भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग कर सकते हो, ठीक है। आवेदन करने का पूरा प्रोसेस यहाँ पे लिखा है, आप यहाँ पे आकर पढ़ सकते हो, ठीक है। आवेदन करने के लिए देखिए, यहाँ पे सबसे पहले जो लिंक है उस पर क्लिक करना है, मतलब इस पर क्लिक करना है आपको आवेदन करने के लिए, और ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी IBPS की, वो ये है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। आपको आवेदन कैसे करना है बता देता हूँ, इस पर क्लिक करते हैं आवेदन करने पे। यहाँ पे देखिए आवेदन करने के लिए वेबसाइट खुल चुकी है। अगर आपने इससे पहले ये फॉर्म भरा होगा तो आपके पास एक रजिस्टर नंबर होगा और आप पासवर्ड होगा, उसके माध्यम से आप ये फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। अगर आप पहली बार ये फॉर्म भर रहे हो तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं, आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ से करना है। यहाँ पे कुछ नहीं है, आपकी सिर्फ बेसिक डिटेल पूछी जा रही है, जैसे नाम, कंफर्म नेम, मोबाइल नंबर, सरनेम, ये सब चीज़ें पूछी जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपको आपका यूज़र आईडी पासवर्ड मिलेगा, उसके माध्यम से आप ये फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आने के बाद आप ये फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। जैसे बैक आते हैं, आप यहाँ से नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं, और ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप बाकी डिटेल देख सकते हो, ठीक है। और आपको फॉर्म भरने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर पढ़ना है, ठीक है। तो यही था आज की वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।